हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ द लेक्स गुरु। माय नेम इज सिमरन और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अनदर सेशन ऑन छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू कोड, जो पार्ट है हमारे छत्तीसगढ़ सिविल जज जुडिशरी एग्जामिनेशन क्रैश कोर्स का। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन से। बिफोर वी बिगिन विद अ सेशन, मेरे पास आपके लिए दो मेन अनाउंसमेंट्स है, जिसमें से सबसे पहला अनाउंसमेंट बात करता है अबाउट छत्तीसगढ़ सिविल जज जुडिशरी एग्जामिनेशन प्री टेस्ट सीरीज। ये टेस्ट सीरीज द लेक्स गुरु द्वारा उनके ऐप पे लॉन्च की गई हैं मात्र 101 रुपए में, जहां पे आपको मिलेंगे 25 टेस्ट पेपर्स, आउट ऑफ विच 15 आर सब्जेक्टिव टेस्ट पेपर्स एंड 10 आर फुल लेंथ टेस्ट पेपर्स। तो अगर आप हमारी इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई लिंक से आप उसे परचेस कर सकते हैं। द सेकेंड अनाउंसमेंट रिलेट्स टू द फाउंडेशन 1 ईयर बैच, जो द लेक्स गुरु द्वारा अभी हाल में ही लॉन्च किया गया है। ये बैच हमारा अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पे दिए हुए नंबर पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे आज के सेशन से। आज के हमारे सेशन में हम कवर करेंगे प्रोविजंस ऑफ चैप्टर 5 ऑफ छत्तीसगढ़ LRC, जो डील करते हैं अपील से, कि कैसे डिफरेंट रेवेन्यू अथॉरिटीज की कैसे अपील लाई करेगी एंड किसके सामने अपील वो जाएगी, और जो भी अपीलेट अथॉरिटीज हैं यहाँ पे उनकी पावर्स क्या होंगी, ये सारे प्रोविजंस को आज हम कवर करेंगे। सबसे पहले अगर हम देखें प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 44, तो सेक्शन 44 के प्रोविजंस हमें दो चीज़ों के बारे में बताते हैं। सबसे पहले तो कि फर्स्ट अपील किस कहाँ पे लाई करेगी एंड सेकेंड अपील कहाँ पे लाई करेगी। फर्स्ट अपील मीन्स द अपील फ्रॉम द ओरिजिनल ऑर्डर ऑफ एनी रेवेन्यू ऑफिसर। तो जैसे तहसीलदार ने एक ऑर्डर दिया जो इसका ओरिजिनल ऑर्डर है, अब इस अपील इस पर्टिकुलर ऑर्डर से किस अथॉरिटी के सामने अपील लाई करेगी वो हमें बताता है सेक्शन 44। और सेक्शन 44 हमें ये भी बताता है कि यहाँ पे फर्स्ट अपील में जो ऑर्डर पास हुआ है उसकी सेकेंड अपील कहाँ पर जा सकती है। तो ये दोनों चीज़ें के बारे में हमें बताता है सेक्शन नंबर 44। तो हम देखते हैं हम सेक्शन 44 के प्रोविजंस को। सबसे पहले हमें सेक्शन 44 के क्लॉज 1 ने बताया है फर्स्ट अपील के बारे में, कि अगर उन अथॉरिटीज का जो यहाँ पे मेंशन है इस पर्टिकुलर टेबल में मेंशन की गई हैं उनका ओरिजिनल ऑर्डर आता है तो किसके सामने उनकी फर्स्ट अपील लाई करेगी। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो किसी रेवेन्यू ऑफिसर का जो सबऑर्डिनेट है सब डिविजनल ऑफिसर के। हमने जब रेवेन्यू ऑफिसर की क्लास की थी वहाँ पे हमने एक चार्ट बनाया था, अगर आप ये पर्टिकुलर प्रोविजंस को उस चार्ट से कवर करेंगे तो आपके दिमाग में बहुत क्लियर होगा। अगर हम उस चार्ट को यहाँ पे फिर से देखें तो सबसे पहले हमारा आता है कमिश्नर और यहाँ पे आता है कमिश्नर लैंड रिकॉर्ड्स, इसके नीचे आता है डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर, इसके बाद आता है डेप्यूटी सर्वे ऑफिसर एंड देन असिस्टेंट सर्वे ऑफिसर, यहाँ पे आता है कलेक्टर, इसके बाद आता है हमारा सब डिविजनल ऑफिसर एंड नेक्स्ट इज हमारा तहसीलदार। तो सबसे पहले प्रोविजन ने क्या बोला कि अगर किसी रेवेन्यू ऑफिसर ने ऑर्डर पास किया है हु इज सबऑर्डिनेट टू सब डिविजनल ऑफिसर, SDO से सबऑर्डिनेट कौन है यहाँ पे रेवेन्यू ऑफिसर, तहसीलदार, तो उसकी अपील कहाँ पे जाएगी, फर्स्ट अपील बिफोर दी सब डिविजनल ऑफिसर। तो हमने यहाँ पे देख लिया कि अगर तहसीलदार, एडिशनल तहसीलदार या नायब तहसीलदार ने कोई ऑर्डर पास किया है एंड उसकी फर्स्ट अपील लाई करनी है तो वो फर्स्ट अपील कहाँ पे जा रही है, बिफोर दी सब डिविजनल ऑफिसर। नेक्स्ट, एनी रेवेन्यू ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू डिप्टी सर्वे ऑफिसर, डिप्टी सर्वे ऑफिसर के सबऑर्डिनेट कोई रेवेन्यू ऑफिसर है तो लैंड सर्वे के टाइम SDO कैसे वर्क करता है एज अ डिप्टी सर्वे ऑफिसर, तो यहाँ पे डिप्टी सर्वे ऑफिसर के सबऑर्डिनेट कौन वर्क करते हैं, असिस्टेंट सर्वे ऑफिसर जो होते हैं या तो तहसीलदार होते हैं, नायब तहसीलदार होते हैं, एडिशनल तहसीलदार होते हैं। ये सब पार्ट हमने जब सेक्शन 64 कवर किया था हमने तब देख लिया था। तो यहाँ पे क्या बोला है सेकेंड वाले क्लॉज ने कि अगर डिप्टी सर्वे ऑफिसर के नीचे सबऑर्डिनेट कोई रेवेन्यू ऑफिसर ने ऑर्डर पास किया है तो उसके ओरिजिनल ऑर्डर से कहाँ पे अपील लाई करेगी, बिफोर दैट पर्टिकुलर डिप्टी सर्वे ऑफिसर। नेक्स्ट, बाय दी सब डिविजनल ऑफिसर, अब नेक्स्ट क्या है, सब डिविजनल ऑफिसर ने ऑर्डर पास किया है तो यहाँ पे आप देखिए अगर इस टेबल के अकॉर्डिंग हम चलें तो सब डिविजनल ऑफिसर ने ऑर्डर पास किया है, ओरिजिनल ऑर्डर इसका है तो कहाँ पे अपील जाएगी, बिफोर द कलेक्टर। तो यहाँ पे क्या बोला है थर्ड क्लॉज ने, इफ द ऑर्डर इज पास बाय द सब डिविजनल ऑफिसर तो अपील कहाँ लाई कर रही है, बिफोर द कलेक्टर। नेक्स्ट, और अगर
बाय द डिप्टी सर्वे ऑफिसर. डिप्टी सर्वे ऑफिसर अगर ओरिजिनल ऑर्डर पास करता है तो अपील कहाँ पर जाती है? डिप्टी सर्वे ऑफिसर की अपील जाती है हमारी बिफोर द डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर. तो आई होप आपको इतना जो चार प्रोविजन अभी हमने देखे ये आपको इस चार्ट से क्लियर हुए होंगे. सब डिविजनल ऑफिसर के नीचे की अथॉरिटी की अपील कहाँ पर जा रही है? कोई भी रेवेन्यू ऑफिसर जो सब डिविजनल ऑफिसर SDO के सबॉर्डिनेट है तो कहाँ पे जाएगी अपील? बिफोर दी SDO. तो सबसे पहली अथॉरिटी सेक्शन 44 के अंदर जो फर्स्ट अपील सुन सकती है वो कौन है? हमारी SDO या फिर डिप्टी सर्वे ऑफिसर. तहसीलदार और असिस्टेंट सर्वे ऑफिसर अपील्स नहीं सुन सकते, इनके ओरिजिनल ऑर्डर से तो अपील जाती है. तो सबसे पहली अपीलेट अथॉरिटी कौन है यहाँ पे? सब डिविजनल ऑफिसर और डिप्टी सर्वे ऑफिसर. और अगर सब डिविजनल ऑफिसर ने कोई ऑर्डर पास किया है तो उसकी अपील कहाँ पे जाती है? बिफोर दी कलेक्टर. और अगर वैसे ही डिप्टी सर्वे ऑफिसर ने कोई ऑर्डर पास किया है तो उसकी अपील कहाँ पे जाती है? बिफोर दी डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर. नेक्स्ट, अगर कलेक्टर ने ऑर्डर पास किया है, अब यहाँ पे SDO की अपील तो कलेक्टर के पास चली गई, पर अगर कलेक्टर ने ही ओरिजिनल ऑर्डर पास किया है तो अपील कहाँ पे जाएगी? तो उसके बारे में हमें बताते हैं सेक्शन 44 का सबसेक्शन 1 कि कलेक्टर के ऑर्डर से ओरिजिनल अपील जाएगी बिफोर द कमिश्नर. तो यहाँ पे कलेक्टर के ऑर्डर से कहाँ पे जा रही है अपील? कमिश्नर के सामने. और डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर के ओरिजिनल ऑर्डर से अपील कहाँ पे जाती है? बिफोर द कमिश्नर लैंड रिकॉर्ड्स. तो कलेक्टर के ऑर्डर से अपील जाती है बिफोर द कमिश्नर, एंड डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर के ओरिजिनल ऑर्डर से अपील जाती है बिफोर द कमिश्नर लैंड रिकॉर्ड्स. अब यहाँ पे ये जो हाईएस्ट अथॉरिटीज इस चार्ट में मेंशन है, कमिश्नर और कमिश्नर ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स, इन्होंने कोई ऑर्डर पास किया है, इनका कोई ओरिजिनल ऑर्डर है, तो उससे अपील कहाँ जाएगी? तो हमने देखा था कि इनके ऊपर जो सुपरिंटेंडिंग अथॉरिटी होती है वो होती है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू. ये एक्सरसाइज करती है फंक्शंस और इन सबको सुपरवाइज करती है ये अंडर द प्रोविजंस ऑफ LRC. तो यहाँ पे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास अपील जाती है फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ द कमिश्नर और कमिश्नर लैंड रिकॉर्ड्स. तो कमिश्नर और कमिश्नर लैंड रिकॉर्ड्स के ओरिजिनल ऑर्डर से अपील कहाँ पे जा रही है? बिफोर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू. ये हमने पूरे प्रोविजंस देख लिए हमारे फर्स्ट अपील के रिगार्डिंग. अब हम देखते हैं सेकंड अपील के प्रोविजंस. अब जो सब्सिक्वेंट प्रोविजंस है सेक्शन 44 के वो बात करते हैं सेकंड अपील के बारे में. सेकंड अपील के बारे में यहाँ पे क्या दिया गया है, अगर हम उस चार्ट को फिर से देखें तो सबसे नीचे है हमारा तहसीलदार, फिर है हमारा SDO, फिर है कलेक्टर, एंड फिर कौन है? कमिश्नर. और यहाँ पे हमारा है असिस्टेंट सर्वे ऑफिसर, डेप्यूटी सर्वे ऑफिसर, DSO एंड कमिश्नर लैंड रिकॉर्ड्स. तो यहाँ पे सबसे पहले तो ये अथॉरिटीज़ को हमने देख लिया, ये तो कभी अपील सुनती ही नहीं है तो ये हटा दिया. अपीलेट अथॉरिटीज़ कौन है हमारी? SDO, डिप्टी सर्वे ऑफिसर, कलेक्टर एंड डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर. तो यहाँ पे सेक्शन 44 के क्लॉज 2 ने सबसे पहले तो ये बताया कि अगर SDO ओरिजिनल फर्स्ट अपील में ऑर्डर पास कर रहा है, डिप्टी सर्वे ऑफिसर फर्स्ट अपील में ऑर्डर पास कर रहा है, डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर कर रहा है या फिर कलेक्टर कर रहा है, तो इन चारों के ऑर्डर से अपील कहाँ पे जाएगी? वो अपील जाएगी बिफोर दी कमिश्नर. तो कमिश्नर के पास ऑर्डर, किस ऑर्डर से अपील जा रही है? फर्स्ट अपील में ऑर्डर दिया गया है कलेक्टर के द्वारा दिया गया है, डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर, SDO या फिर डिप्टी सर्वे ऑफिसर, इन चारों से अपील कहाँ पे जाएगी? बिफोर द कमिश्नर. एंड उसके बाद अगर कमिश्नर ने कोई ऑर्डर पास किया है फर्स्ट अपील में, तो कमिश्नर या फिर कमिश्नर लैंड रिकॉर्ड ने कोई ऑर्डर पास किया है तो वहां से अपील कहाँ जाती है? वो जाती है हमारी बोर्ड के सामने. तो ये पूरा हायरार्की के अकॉर्डिंग अगर आप समझेंगे तो आपको सेक्शन 44 क्लॉज 1 और 44 क्लॉज 2 के प्रोविजंस बहुत आसानी से यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे. अब हम बात करते हैं सब्सिक्वेंट प्रोविजंस की. अब सेक्शन 44 के क्लॉज 1 को अगर आप देखते हैं, सबसेक्शन 1 को, तो सबसेक्शन 1 ये बोलता है कि कोई भी ओरिजिनल ऑर्डर हो किसी भी रेवेन्यू ऑफिसर का, सारे ओरिजिनल ऑर्डर से फर्स्ट अपील तो लाइक करती है, बट सबसेक्शन 2 ने ये बोला है कि सिर्फ वो लिमिटेड ग्राउंड्स जो यहाँ पे बताए गए हैं सिर्फ उन्हीं से ही ओरिजिनल फर्स्ट अपील में जो ऑर्डर दिया गया है उससे सेकंड अपील लायक कर सकती है. तो फर्स्ट अपील कैसा है? फर्स्ट अपील इज अ मैटर ऑफ राइट, बट सेकंड अपील डिस्क्रिशन है, जो लॉ ने ग्राउंड्स प्रोवाइड करे हैं, लिमिटेड ग्राउंड्स है, सिर्फ उन्हीं पे ही अपील लायक कर सकती है.
वो ग्राउंड्स हमारे सेक्शन 44 खुद बताता है एंड वो सारे ग्राउंड्स कौन से हैं अब हम वो देखते हैं। सबसे पहला ग्राउंड है ओरिजिनल ऑर्डर इन फर्स्ट अपील वेरिड और रिवर्स्ड। अगर ओरिजिनल ऑर्डर जिससे फर्स्ट अपील लाइक करी गई थी, अगर मानिए तहसीलदार का ओरिजिनल ऑर्डर था, तहसीलदार के ओरिजिनल ऑर्डर से एसडीओ के सामने फर्स्ट अपील गई, एसडीओ ने क्या किया, उस ओरिजिनल ऑर्डर को या तो वेरी कर दिया या उसको रिवर्स कर दिया, तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पर सेकेंड अपील लाइक कर सकती है फ्रॉम दी ऑर्डर ऑफ दी एसडीओ। एसडीओ के ऑर्डर से अपील कहाँ पे जाएगी, वो जाएगी हमारी सेकेंड अपील बिफोर दी कमिश्नर। तो कमिश्नर के सामने यहाँ पे बता दिया गया है कि ओरिजिनल ऑर्डर से अगर ओरिजिनल ऑर्डर को फर्स्ट अपील में वेरी रिवर्स किया गया है तो उस ऑर्डर से जो फर्स्ट अपील में पास हुआ है उससे अपील लाए कर सकती है। सेकंड, ऑर्डर इज कॉन्ट्ररी टू लॉ और यूसेज हैविंग द फोर्स ऑफ लॉ। अगर फर्स्ट अपील में जो ऑर्डर पास हुआ है इट इज ईदर कॉन्ट्ररी टू लॉ, जो लॉ एस्टेब्लिश्ड है उसके अकॉर्डिंग ऑर्डर पास होना चाहिए था, उस लॉ के अकॉर्डिंग नहीं हुआ, या फिर कोई और यूसेज विच हैव द फोर्स ऑफ लॉ, उस पर्टिकुलर यूसेज के अगेंस्ट वो ऑर्डर पास हुआ है, तो यहाँ पे उससे भी सेकेंड अपील लाए कर सकती है। थर्ड, ऑर्डर हैव फेल्ड टू डिटरमाइन सम मटेरियल इशू ऑफ लॉ और यूसेज हैविंग द फोर्स ऑफ लॉ। ऐसा ऑर्डर पास हुआ है जिसने इट हैज फेल्ड टू डिटरमाइन द यूसेज विच हैव द फोर्स ऑफ लॉ, या फिर कोई ऐसा मटेरियल इशू जो इन्वॉल्व था उस पर्टिकुलर डिस्प्यूट में, उस पर्टिकुलर डिस्प्यूट में मानिए कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व था, उस मटेरियल इशू को डिटरमाइन करने से फेल हो गया वो फर्स्ट अपील में जो ऑर्डर पास हुआ है, तो उससे सेकंड अपील, ये जो क्लॉज 3 है वो बोलता है कि सेकंड अपील उससे लाए कर सकती है। फोर्थ, ए सब्सटेंशियल एरर और डिफेक्ट इन द प्रोसीजर विच मे हैव प्रोड्यूस्ड एरर और डिफेक्ट इन द डिसीजन ऑफ द केस अपॉन मेरिट्स। अब मेरिट्स पे कोई एरर लाना ये बहुत ही ग्रेव इनजस्टिस होती है और किसी भी पार्टी के अगेंस्ट। यहाँ पे कैसा एरर हो सकता है मेरिट्स पे, जैसे अपोजिट पार्टी को कोर्ट ने, रेवेन्यू कोर्ट ने कोई अपॉर्चुनिटी ही नहीं दिया हियरिंग का अपॉर्चुनिटी नहीं दिया, तो वो अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाया। उस केस में क्या हुआ कि जो पर्टिकुलर एरर कमिट किया कोर्ट ने वो एक सब्सटेंशियल एरर था एंड इट अफेक्टेड द डिसीजन ऑफ द केस ऑन मेरिट्स। तो यहाँ पे ऐसे फर्स्ट अपील में दिए गए ऑर्डर से सेकंड अपील भी लाए कर सकती है। तो आई होप आपको ये पूरे 4 ग्राउंड्स क्लियर हुए होंगे एंड स्पेशली दी लास्ट ग्राउंड जहाँ पे सब्सटेंशियल एरर हो रहा है ऑन दी मेरिट्स ऑफ द केस। लास्ट, एन ऑर्डर पास्ड इन रिव्यू। अब जो लास्ट सबसेक्शन है सेक्शन 44 का, वो ये बोलता है कि कोई रिव्यू फाइल हुआ, जैसे एसडीओ ने ऑर्डर दिया था, एसडीओ के ऑर्डर की रिव्यू एप्लीकेशन फाइल हुई और उससे डिसीजन दिया एसडीओ ने आगे। अब एसडीओ ने जो सेकंड डिसीजन दिया इन द रिव्यू, उसने क्या किया, अपना वेरी और रिवर्स कर दिया अपने अर्लियर डिसीजन को। तो यहाँ पे जो लास्ट सबसेक्शन है सेक्शन 44 का, वो यही बोलता है कि जो वेरी और रिवर्स करके रिव्यू में डिसीजन दिया गया है उस रिव्यू के डिसीजन से अपील लाइक कर सकती है, वैसी ही अपील लाई करेगी जैसे ओरिजिनल ऑर्डर से फर्स्ट अपील लाई करती है। तो रिव्यू में दिए हुए डिसीजन से कौन सी अपील लाई करती है, फर्स्ट अपील लाई करती है और उस अथॉरिटी के सामने ही लाई करती है जो यहाँ पे सेक्शन 44 के क्लॉज 1 में मेंशन है। तो एसडीओ से फर्स्ट अपील कहाँ पे जाती है, एसडीओ की फर्स्ट अपील जाती है बिफोर दी कलेक्टर। तो आई होप आपको सेक्शन 44 के पूरे प्रोविजंस क्लियर हुए होंगे। अगर आपको वो चार्ट जो हमने जो सेक्शन 11 की क्लास की थी उसमें कवर किया था और आज भी मैंने आपको उसको समझाया, ये चार्ट क्लियर है तो आप इजिली डिटरमाइन कर सकते हैं कि फर्स्ट अपील सेकंड अपील कहाँ पे जाती है और कौन कौन सी एपिलेट अथॉरिटीज़ हैं जो इस कोड ने डिक्लेयर करी हैं फॉर दी पर्पस ऑफ सेक्शन 44 ऑफ द कोड। अब हम बात करते हैं सब्सिक्वेंट प्रोविजंस की। अब जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है हमारा सेक्शन नंबर 46। सेक्शन नंबर 46 कुछ ऐसे ऑर्डर्स को मेंशन करता है जिनसे कोई अपील लाई नहीं करती। यहाँ पे वो कौन से ऑर्डर्स हैं अब हम वो देखते हैं। सेक्शन नंबर 46 ने सबसे पहले बोला है कि नो अपील अगेंस्ट सर्टेन ऑर्डर्स, और ये सर्टेन ऑर्डर्स कौन है, ये 5 ऑर्डर्स जिनसे कोई अपील लाई नहीं करेगी अंडर सेक्शन 44 ऑफ द LRC। सबसे पहला ऑर्डर है एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 5 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट। तो सबसे पहले अगर किसी पार्टी ने सेक्शन 5 के अंदर एप्लीकेशन फाइल करी थी फॉर कंडोनेशन ऑफ डिले, उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन से उसमें उस एप्लीकेशन के डिसीजन में कोई ऑर्डर पास हुआ तो उस ऑर्डर से कोई अपील लाए नहीं करेगी। सेकंड, रिजेक्टिंग एप्लीकेशन फॉर रिव्यू। अगर किसी कोर्ट के सामने एप्लीकेशन फाइल करी गई किसी रेवेन्यू कोर्ट के सामने फॉर द रिव्यू ऑफ इट्स अर्लियर डिसीजन और वो कोर्ट क्या करता है उस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देता है, तो उस रिजेक्शन से भी कोई अपील यहाँ पे लाए नहीं करती है।
थर्ड, ग्रांटिंग रिजेक्टिंग स्टे एप्लीकेशन। अगर कोई पार्टी ने स्टे के लिए या इंजंक्शन के लिए एप्लीकेशन फाइल करी थी एंड उसकी एप्लीकेशन या तो एक्सेप्ट हो जाती है या रिजेक्ट हो जाती है, तो उस केस में भी उस ऑर्डर से इधर रिजेक्टिंग और दी ग्रांटिंग दैट पर्टिकुलर स्टे, उससे कोई अपील लाए नहीं करती है। फोर्थ, इंटरिम नेचर। कोई भी ऑर्डर जो इंटरिम नेचर का यहाँ पे पास होता है उससे भी कोई अपील यहाँ पे लाए नहीं करती है। फिफ्थ, अपॉइंटमेंट अंडर सेक्शन 104 क्लॉज 2 और 106 क्लॉज 1। कोई भी अपॉइंटमेंट जो 104 क्लॉज 2 और 106 क्लॉज 1 में हो रहा है उससे भी कोई अपील यहाँ पे लाए नहीं करती है। तो आई होप आपको ये पूरे 5 ऑर्डर जिनसे कोई अपील लाए नहीं करती है वो क्लियर हुए होंगे। नाउ मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट सेक्शन। नेक्स्ट सेक्शन है हमारा सेक्शन नंबर 47। सेक्शन नंबर 47 बताता है हमारा लिमिटेशन के बारे में कि ये जो पर्टिकुलर अथॉरिटीज हैं जिनको हमने देख लिया कि इनसे अपील लाए कर रही है, इनसे कितने टाइम पीरियड में अपील फाइल होगी या इनके सामने कितने टाइम पीरियड में वो अपील का फाइल करना ज़रूरी है, वो हमें बताता है सेक्शन नंबर 47। अब सेक्शन नंबर 47 बताता है नो अपील शैल लाए। अगर आप 47 के प्रोविजंस को देखें तो ये बोलता है नो अपील शैल लाए अगर अपील फाइल हो रही है बिफोर दी सब डिविजनल ऑफिसर, सेटलमेंट कमिश्नर या फिर कलेक्टर, इनमें से किसी के सामने वो अपील फाइल हो रही है, अगर वो ऑर्डर जिस ऑर्डर पे ऑब्जेक्शन उठाया गया है उस ऑर्डर के 45 डेज के विद इन अगर वो अपील नहीं फाइल होती तो कोई अपील इनके सामने फिर फाइल नहीं की जा सकती। सेकंड, बिफोर दी कमिश्नर, अपील बिफोर दी कमिश्नर लाए नहीं करेगी अगर वो ओरिजिनल ऑर्डर जिस ऑर्डर से वो अपील की जा रही है उस ऑर्डर से विद इन 60 डेज अगर अपील फाइल नहीं की जाती है तो कितना लिमिटेशन पीरियड है, अगर कलेक्टर के सामने अपील फाइल होनी है तो 45 डेज के विद इन आपको फाइल करनी है, कमिश्नर के सामने अगर अपील फाइल होनी है तो विद इन 60 डेज फाइल करनी है, और लास्टली अगर बोर्ड के सामने अपील फाइल होनी है तो बोर्ड के सामने कितना दिया गया है, विद इन 90 डेज वो अपील का फाइल होना जरूरी है। तो यहाँ पे आपको याद रखना होगा अगर सब डिविजनल ऑफिसर या फिर कलेक्टर या फिर सेटलमेंट ऑफिसर या सेटलमेंट कमिश्नर इनके सामने अगर अपील फाइल हो रही है तो कितने टाइम पीरियड में अपील को फाइल करना जरूरी होगा, विद इन 45 डेज। अगर वो अपील फाइल हो रही है बिफोर द कमिश्नर तो अपील मस्ट बी फाइल्ड विद इन 60 डेज, एंड लास्टली अगर वो अपील फाइल हो रही है बिफोर द बोर्ड तो वो अपील का फाइल करना विद इन 90 डेज मैंडेटरी है। तो आई होप आपको यहाँ पे सेक्शन 47 के प्रोविजंस भी क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट है हमारा सेक्शन नंबर 49। अब सेक्शन नंबर 44 से 47 तक के हमने प्रोविजंस तो ये देख लिए कि किसके सामने अपील लाई करेगी, कितने टाइम पीरियड में अपील लाई करनी है, कहाँ पे कोई ग्राउंड्स दिए गए हैं तो किन ग्राउंड्स पे अपील लाई करेगी, और ऐसे ऑर्डर्स भी देख लिए जिनसे कोई अपील लाई नहीं करेगी। अब यहाँ पे सेक्शन नंबर 49 ने कवर किया है अबाउट दी पावर ऑफ एपलेट अथॉरिटीज। जो भी अथॉरिटीज जिनको एपलेट अथॉरिटीज डिक्लेयर किया गया है अंडर सेक्शन 44 उनकी क्या पावर्स होंगी उनके बारे में हमें बताता है सेक्शन नंबर 49 ऑफ छत्तीसगढ़ LRC। सेक्शन नंबर 49 बोलता है दैट द एपलेट अथॉरिटी मे ईदर एडमिट द अपील, और या तो एपलेट अथॉरिटी क्या कर सकती है, अपील तो लाई करेगी, जैसे कोई पार्टी एग्रीव्ड है, ए इज एग्रीव्ड बाय द ऑर्डर ऑफ तहसीलदार, अब तहसीलदार के ऑर्डर से वो एग्रीव्ड है, इसने क्या किया, इसने जाके फाइल करी अपील बिफोर द सब डिविजनल ऑफिसर। अब सब डिविजनल ऑफिसर जिसके सामने अपील फाइल हुई है इसके पास क्या पावर्स हैं इसके बारे में हमें बता रहा है 49। तो 49 क्या बोलता है कि एपलेट अथॉरिटी या तो एडमिट कर ले अपील को या फिर क्या करे, रिजेक्ट कर दे, और रिजेक्शन एडमिशन के केस में उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, पर रिजेक्शन होगा ओनली आफ्टर कॉलिंग फॉर द रिकॉर्ड जो ओरिजिनल ऑर्डर है या फिर जो आप फर्स्ट अपील में ऑर्डर दिया गया है जिससे वो अपील आ रही है। जो यहाँ पे तहसीलदार के ऑर्डर से अपील जा रही है SDO के सामने, जब SDO के सामने अपील फाइल हुई या तो SDO क्या कर सकता है, एडमिट कर ले, पर अगर वो चाहता है रिजेक्ट करना, उसको कोई ग्राउंड नहीं दिख रहा, तो वो रिजेक्शन तभी कर सकता है जब वो पूरा रिकॉर्ड उस फर्स्ट ओरिजिनल ऑर्डर का रिकॉर्ड फ्रॉम दी तहसीलदार मंगा ले, एंड एपलेंट को जिसने अपील फाइल करी है यहाँ के केस में कौन है, ए, इसको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दे ऑफ हियरिंग, अपॉर्चुनिटी दे टू बी हर्ड, उसके बाद समरली एक ऑर्डर पास करके यहाँ पे ये पर्टिकुलर SDO इस अपील को रिजेक्ट कर सकता है। तो आई होप आपको ये सबसेक्शन 1 पूरा क्लियर हुआ होगा। सेकंड, अपील एडमिटेड, अगर अपील एडमिट हो गई तो क्या करेगा कोर्ट, के फिक्स कर देगा जो डेट है हियरिंग का, और नेक्स्ट जो रिस्पोंडेंट है उसको नोटिस सर्व हो जाएगा कि आपके अगेंस्ट ये जो पर्टिकुलर ऑर्डर पास हुआ था ये प्रोसीडिंग्स में, प्रीवियस प्रोसीडिंग्स में उसमें आप अपील फाइल हुई है और इन अपील का हियरिंग है इस डेट पर।
तो ये पूरा प्रोसीजर यहाँ पे, फिर अगर अपील एडमिट हो जाती है तो फॉलो किया जाएगा। उसके बाद सेक्शन 41 का सबसेक्शन 3 क्या बोलता है कि अगर अपील यहाँ पे हियरिंग स्टार्ट हो गई और हियरिंग के बाद अब क्या कर सकती है अपीलेट अथॉरिटी, या तो कंफर्म कर सकती है कि हाँ जो ओरिजिनल ऑर्डर था या जो फर्स्ट अपील में ऑर्डर पास हुआ था जिसके अगेंस्ट अपील आई है वो करेक्ट था, उसको कंफर्म कर दिया, या तो वेरी कर दिया, उसे चेंज कर दिया या रिवर्स कर दिया उस ऑर्डर को। उसके बाद क्या कर सकती है, फर्दर इन्वेस्टिगेशन भी डायरेक्ट कर सकती है ये अपीलेट अथॉरिटी, एडिशनल एविडेंस भी ले सकती है और बाद में रिमांड भी कर सकती है केस को टू दी रेवेन्यू ऑफिसर जिसने वो प्रीवियस ट्रायल किया था फॉर दी डिसीजन इन द केस, और उसके साथ में रिमांड के साथ में डायरेक्शंस भी दे सकती है कि ये ग्राउंड्स को कंसिडर करके इस केस को वापस, इस केस पे वापस डिसीजन दिया जाए। तो आई होप आपको सेक्शन 49 के प्रोविजंस पूरे क्लियर हुए होंगे यहाँ पर, जहाँ पे हमें पावर ऑफ अपीलेट अथॉरिटीज दी हैं और बाकी जो हमने अपील के प्रोविजंस कवर करे वो भी आपको क्लियर हुए होंगे। अब आपको यहाँ पे कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में क्लियर कर सकते हैं। इस पूरे सेशन का अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक यू वेरी मच, आई होप यू लाइक द सेशन। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।